पंडित जी, मैं आपके घर पे नहीं रह सकती हूँ। डांट खा के मानेगी या ऐसे ही मान जाएगी? मैं जो बोलती हूँ ना, वही होता है उस कार में। माय गॉड आंटी जी, मैं भी आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, अपनी परी के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं रह सकती हूँ वहां पर। लेकिन क्यों? परी यार, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तेरे और जीजू के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है। प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं चाहती हूँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये सब क्या बोल रही है? जैसे तो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आंटी जी ने क्यों कहा था कि मैं तेरे और जीजू के बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दूं? इसका मतलब कुछ तो होगा। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू मेरे साथ रह रही है, ये फाइनल है। और अब तो बड़ों ने भी परमिशन दे दी है। अरे प्लीज, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन ले। जैसे मम्मी को डिस्चार्ज मिल जाएगा ना, मैं चली जाऊंगी और तब तो मुझे नहीं रोकेगी।